एक तरफ सरकार माताओं को स्वास्थ्य एवं शिशु मृत्यु को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रही, मगर रायसेन जिले के मर्देवरा गांव में ना ही माताओं का ना ही बच्चों का टीकाकरण नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी नहीं है आपके? हमारे इधर आंगनबाड़ी नहीं है। तो अभी आप बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, या खेत पे लेके जाती हैं उनको, या कैसे इनको संभालती हैं? अभी तो हम बच्चों को साथ में ले जाते हैं, खेत पे ले जाते हैं, खेत पे ले जाते हैं। अगर इधर घर रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होती है और कोई देख रेख कोई भी नहीं है, अकेले ही हैं हम दोनों। टीकाकरण हुआ है? ना, आपकी बार नहीं हुआ। और जे दो की बार हुआ था? हाँ, एक की बार हुआ, बीच वाली की नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो जब टीकाकरण नहीं होते तो फिर कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं आपको? दिक्कत पेट में भी दर्द करती ज्यादा और हाथ पांव भी दुखाते हैं। अबे भी दुखाते हैं? हाँ, कमर दुखाते हैं। तो आपकी पंचायत वाली नहीं सुनती? पंचायत वाले सुनते ही नहीं है, अगर सुन ले तो आंगनबाड़ी खुल जाता, हम लोगों को लाभ मिलेगी, सबको, बच्चे भी आंगनबाड़ी में बैठेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे। आपके गांव में क्या समस्या थी? हमारे गांव में आंगनबाड़ी नहीं थी। पहले हम लोग 30 किलोमीटर दूर बीगंज में जाते थे टीका लगवाने के लिए, महिलाओं को कछु भी हो जाए सो ले जाते दवाओं को उधर। अब हमारे इधर गर्भवती महिलाओं को उधर ले जाते थे, अब हमारे इधर गांव पे आंगनबाड़ी आ गई। क्या आपके यहाँ की समस्या हल हो गई? हाँ, मेरे यहाँ की समस्या हल हो गई। हमारे यहाँ की गर्भवती बहनें जो बाहर जाती थी टीकाकरण करने के लिए, मैं खुद ही टीकाकरण करवाऊंगी। किन किन लोगों ने आपकी मदद की? मेरी मदद संगीता मैडम ने की है और पंथी मैडम ने। मैं संगीता ठाकुर, ग्राम पड़रिया, राजाधार, विकास खंड बेगमगंज, जिला रायसेन से, इंडिया अनहर के लिए।